हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है, नहीं मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं। खास वजह से आपके समक्ष आए हैं, आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ, आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं, और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है, नहीं मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। नहीं सर, ये बोले दीजिए सर। ये तो आप कवर करके आए हैं। नहीं, देखिए सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं। और मेरी बात खत्म होने दीजिए। विकल्प तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले ये उचित नहीं लगता है। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष जी की है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट नूडल्स वाला जवाब दूं। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं, तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। हम बिहार में कैसे करते हैं, जिनको 2 सीट देते हैं उनको भी मीटिंग में बिठाते हैं, बात करते हैं और मुकम्मल अंजाम तक ले जाते हैं। थैंक यू।